Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we are going to start next chapter, chapter number 5, and the name of chapter is creepy crawlies. क्या होते हैं creepy crawlies? जो हमारे insect होते हैं, वो हमें रेंग कर डराते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम. Do you know the name of this creepy crawly? क्या आप इस creepy crawly का नेम जानते हो? Where have you seen it? आपने इसे कहाँ पे देखा? Is it an insect? क्या ये कोई इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है? वाई इज इट फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस? ये हमें डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस पे क्यों मिलते हैं? ओ नो, तिथि दिस इंसेक्ट इज क्रॉलिंग हियर अगेन. वो क्या बोल रही है कि ओ नो तिथि, ये दोबारा से फिर इंसेक्ट यहाँ पे आ गया. लेट अस कॉल पापा, हमें किसको बुलाना चाहिए? पापा को बुलाते हैं. तिथि आयरा, दिस इंसेक्ट इज हार्मलेस. तो फादर क्या बोल रहे हैं कि तिथि आयरा, ये इंसेक्ट क्या है, हार्मलेस है. हार्मलेस मीन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट, आपको इससे डरना नहीं चाहिए. स्केयर मीन डरना, इससे नहीं डरना चाहिए. नेक्स्ट इज अमंग द एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे, विच आर द वर्म्स दैट स्केयर यू द मोस्ट. आप जो अपने अराउंड जो एनिमल्स देखते हो, आप उनमें से किससे ज़्यादा डरते हो? एंट्स, ग्रास हॉपर, स्पाइडर, स्नेल्स, वॉर्म्स, लीजर्ड्स एंड स्नेल्स आर सम सच एनिमल्स. ये वो एनिमल्स हैं जो हमें मिलते रहते हैं. लीजर्ड सभी को पता है ना, शिपकली. तो ये हम इनसे क्या हैं, ज़्यादातर डरते हैं. नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हमें क्या मिलते हैं, हमारे आसपास सभी जगह पर मिलते हैं. दे हाइड इन कॉर्नर इन साइड अवर हाउसेस. जे हमारे हाउसेस के कॉर्नर, कॉर्नर हमारे जो हाउस के कोने होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, हाइड, छुप जाते हैं. गार्डन्स में छुप जाते हैं उनके कोनों पे, अंडर द ग्राउंड, धरती के नीचे, और ऑन ट्रीज, ट्रीज पे, और इन वाटर, पानी में. Some of them are useful to us while some harm us. इनमें से कुछ क्या है हमारे लिए useful है और कुछ क्या है harm, नुकसान पहुँचाते हैं. Common insects are, जो हमें आम मिलते हैं वो कौन से insects हैं? Ants, grasshoppers, cockroaches, mosquitoes, ladybirds and dragonflies. ये हमें आम ही मिलते हैं. Next is body of insect. क्या किसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे? बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, क्या क्या होता है उसकी बॉडी में. ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स. सभी इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं? सिक्स लेग्स होती हैं. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. जो इंसेक्ट की बॉडी है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किसमें? हेड, एक तो सिर होता है, एक थोरैक्स क्या होती है उसकी, छाती होती है, एंड एब्डोमेन मींस उसका जो पेट होता है. ये तीन में जो इंसेक्ट की बॉडी है वो डिवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज द हेड ऑफ एन इंसेक्ट हैज टू आईज. जो उसके हेड पे इंसेक्ट के कितनी आईज होती हैं? दो आईज होती हैं. टू फीलर्स. फीलर्स क्या होते हैं? फीलर्स और एंटीने किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट के ये दो मूछें होती हैं ना, उसे बोलते हैं टू एंटीने, या फिर क्या बोलते हैं इसे, फीलर्स. एंड अ माउथ, और उसके क्या होता है, एक माउथ होता है. द एंटीने हेल्प द इंसेक्ट टू स्मेल. वो एंटीने से क्या क्या कर सकता है? स्मेल ले सकता है, टेस्ट कर सकता है, एंड हियर मीन्स सुन सकता है. इंसेक्ट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड नो बोन्स. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और उनके कोई बोन्स नहीं होती. बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ, कोई भी हड्डी नहीं होती. बट हैव अ हर्ड कवरिंग, लेकिन जो उनकी बॉडी कवर हुई हुई होती है, जिससे वो बहुत हर्ड होती है, सख्त होती है. द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी बिटवीन द नेक एंड द बैली इज द थोरैक्स. जो उनकी बॉडी का किसके बीच, बिटवीन किसके बीच का हिस्सा है, नेक के बीच का और बैली के, पेट और नेक के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, थोरैक्स. The abdomen of an insect contains the heart and organs for breathing and digestion. जो abdomen है insect का उसमें क्या होता है, heart होता है, और क्या होते हैं, organs. organ किस लिए होते हैं, breathing के लिए, सांस लेने के, digest करने के लिए, जो कुछ वो खाते हैं. Next is some insects like flies have two wings.
जैसे फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स क्या होती है, हमारी जो मक्खियाँ होती हैं उनके कितने विंग्स होते हैं, टू विंग्स होते हैं। बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज हैव फोर विंग्स, ये सभी के कितने विंग्स होते हैं, फोर विंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, बीज, वास्प्स एंड बीटल्स कैन वॉक एज वेल एज फ्लाई। ये जो सभी इंसेक्ट हैं ये क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और फ्लाई मीन्स उड़ सकते हैं। टर्माइट्स एंड आर्ट्स जनरली क्रॉल टिल दे डेवलप विंग्स आफ्टर विच दे कैन फ्लाई एज वेल। जो टर्माइट्स एंड आर्ट्स होते हैं वो पहले जब तक उनके विंग्स डेवलप हुए होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं मीन जब तक उनके विंग्स नहीं आते तब तक तो वो क्रॉल करते हैं, मीन्स घसीट घसीट के चलते हैं, बाद में आफ्टर क्या करते हैं, वो उड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, फ्लाई। मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। मॉस्किटो और जो बटरफ्लाई के विंग हैं वो किस में हेल्प करते हैं, उनकी फ्लाई करने में। इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश एंड लाउज डू नॉट हैव विंग्स एंड कैन ओनली क्रॉल। जो सिल्वर फिश है और लाउज है उनके क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते, वो सिर्फ क्या करते हैं, घसीट के क्रॉल करके चलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, सिल्वर फिश। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ माउथ विच हेल्प्स देम टू गेट देयर फूड। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एक स्पेशल टाइप का माउथ होता है जो किस में हेल्प करता है, उनके भोजन लेने में हेल्प करता है। बटरफ्लाइज यूज देयर ट्यूब लाइक माउथ टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो ज़्यादातर किस पे बैठती हैं, फ्लावर्स पे बैठती हैं ना, तो वो क्या करती हैं फ्लावर्स पे, उनके ऐसा माउथ होता है ट्यूब लाइक, वो क्या करता है, सक करता है, मीन्स क्या करता है, उनका जो अमृत है, फ्लावर्स का जो नेक्टर है, उनके बीच जो रस होता है उसको क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसती हैं। मॉस्किटो सक ब्लड विद इट्स नीडल लाइक माउथ। जो मॉस्किटो मच्छर वो हमारे खून निकाल लेता है ना, खून को चूसता है, वो उसके कैसा माउथ होता है, नीडल लाइक माउथ होता है, नीडल जैसा होता है। ग्रास हॉपर्स हैव अ बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ विद विच दे फीड ऑन प्लांट्स पार्ट। जो ग्रास हॉपर है उसके कैसा माउथ होता है, बाइटिंग, काटने वाला, चुइंग, चबाने वाला, ऐसे ये टाइप का उसके माउथ होता है जिससे वो क्या करता है, प्लांट के पार्ट्स को खाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ बीटल, सभी ने देखा है ना, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।